55 साल के ड्राइवर रमेश भाई ने मुझे बताया कि पिछले 6 महीने से उनको राइट साइड के चेहरे पे दर्द होता है, और ये दर्द ऐसा वैसा नहीं, बिजली के करंट के जैसा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता था। और ये दर्द तब वो महसूस करते थे जब वो बोलते थे, पानी पीते थे, खाना खाते थे, या चेहरे को टच भी करते थे या ब्रश करते थे, बिल्कुल करंट जैसा महसूस होता था। रहता था 1 या 2 सेकंड, लेकिन दिन में 10, 20, 30 बार होता था, और वो बहुत परेशान हो गया। उन्होंने सोचा कि दर्द यहाँ है, इसलिए उन्होंने अपने यहाँ के 6 दांत निकलवा दिए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। दोस्तों, अगर आपकी कहानी रमेश भाई की जैसी है या अपनों की रमेश भाई की जैसी है, तो ये मेरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखना। क्या हुआ, क्या था? एक यहाँ पे एक दर्द होता था मुझे, किसने शॉक दे दिया, करंट दे दिया, और फिर वहाँ से यहाँ पे थ्रू आउट भी यहाँ पे था, फिर उसके बाद कंटिन्यू वहाँ पे चला गया। तो ये ट्राई जब मैंने लगा करके, तो फिर सोचा कि इसको भैया इसको चेकअप तो करा लें, पता था कि ट्राई जब मैंने लगा दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जयंती गुरुमुखानी। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं रमेश भाई की बीमारी के बारे में, जिसका नाम है ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया। ये वो बीमारी है जिसमें 5 नंबर की नस ज़्यादा काम करती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया क्या है, कितना कॉमन है ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया, इसका कारण क्या है, इसका निदान कैसे किया जाता है, और इस बीमारी का ट्रीटमेंट क्या है, और अंत में आपको मैं अच्छे टिप्स भी दूंगा। तो शुरू करते हैं, ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया क्या है। दरअसल हमारे चेहरे के जो सेंसेशन है, टच और पेन, ये दोनों ब्रेन महसूस करता है वाया एक नर्व, जिसको हम कहते हैं ट्राइजेमिनल नर्व। किसी वजह से अगर ये ट्राइजेमिनल नर्व दब जाती है, तो हमारा जो चेहरे पे ये सेंसेशन ज़्यादा आते हैं, यानी बिजली के करंट की तरह हमें यहाँ दर्द महसूस होता है, और ये बिजली का करंट बहुत ज़्यादा परेशान वाला होता है। ये दरअसल ट्राइजेमिनल नर्व, इसके 3 पार्ट्स है, इसको हम 1, 2, 3 कहते हैं। इसको कहते हैं V1, इसको कहते हैं V2, और इसको कहते हैं V3। यानी मरीज जो है वो इन तीनों में से किसी 1 या 2 पार्ट में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है। ज़्यादातर लोग V2 और V3 रीजन में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस करते हैं, और ये दर्द टच करने में, ब्रश करने में, शेविंग करने में, मेकअप करने में, और कोई भी ऐसी बात हो जो यहाँ पर टच से होती है या ब्रश करने से, उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है। और ये बीमारी का जो शुरू में क्या होता है कि 2-5 सेकंड के लिए बीमारी होती है, यानी 2-5 सेकंड के लिए दर्द होता है, कुछ हफ्ते मरीज ठीक हो जाता है, पर कुछ महीनों के बाद ये फिर बीमारी जोरों से आती है, और मरीज को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और पूरा बहुत ज़्यादा मरीज परेशान हो जाता है। कई मरीज तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, और एक बार तो सुसाइड करने का भी सोच लेते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि इस बीमारी का सबको नॉलेज नहीं है। सलमान खान ने भी यही किया था, उनको यहाँ दर्द महसूस होता था तो उन्होंने ENT को दिखाया, ये सोच के उनको साइनस का दर्द है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और आगे चल के उनको यहाँ दर्द हुआ, उन्होंने डेंटिस्ट को दिखाया, लेकिन उनके डेंटिस्ट बहुत स्मार्ट थे, उन्होंने बोला आपको दांत का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी उनको समझ में नहीं आया मैं क्या करूं, और कई साल लग गए जब जाके उनको डायग्नोसिस हुआ कि उनको ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया है। तो दोस्तों, ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया के लिए आपको न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। कितना कॉमन है ये ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया? दरअसल अगर आप किसी 1 लाख व्यक्ति से मिलते हो, तो उनमें से 4 या 5 को ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया है, यानी इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। महिलाओं में ज़्यादा पाए जाने वाली ये बीमारी दरअसल 50 साल की उम्र के बाद ज़्यादा देखने को मिलती है, और अगर आप 75 साल या उससे ज़्यादा उम्र वाले लोगों से मिलते हो, तो उनमें से 1000 में से किसी एक को ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया है। इसलिए आपको इस बीमारी को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वो बीमारी है जो इंसान कितना भी मजबूत हो, उनके आँख से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि दर्द ही ऐसा होता है, और ये डायग्नोसिस कभी कभी जाने क्यों मुश्किल से होता है, और मरीज ENT और डेंटिस्ट के बीच घूमता रहता है। आखिर इस ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया का कारण क्या है? ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया का कारण है, ये जो हमारी ट्राइजेमिनल नस है, ये किसी आर्टरी या वेन से दब जाती है, और ये दबने की वजह से ये ट्राइजेमिनल नर्व है वो ज़्यादा काम करती है, और बिजली के करंट की तरह मरीज महसूस करता है, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया। कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनको ये नस सिर्फ आर्टरी और वेन से नहीं दबती है, बल्कि ट्यूमर से या सिस्ट से या एवी मालफॉर्मेशन से दबती है, और कुछ मरीज को तो ब्रेन स्टेम में सूजन होती है,
जिसको हम डीमाइलिनेशन या मल्टीपल स्क्लेरोसिस के नाम से जानते हैं, तो उससे भी मरीज को ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया हो सकता है। फेशियल इंजरी से भी कुछ मरीज को ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया होता है, और कभी कभी डेंटल प्रोसीजर से भी लोगों की यहाँ की नस दब जाती है, उससे भी ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया हो सकता है। इस बीमारी का निदान कैसे होता है? ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया के लिए आपको न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। न्यूरोलॉजिस्ट आपकी बातों से ही समझ जाते हैं कि आपको ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया है या नहीं, क्योंकि मरीज बताता है कि हमें V1, V2 या V3 रीजन में दर्द है, और ये बिजली के करंट की तरह होता है, और ये टच करने से या खाना खाने से, पानी पीने से, बोलने से, शेविंग करने से ये बढ़ जाता है। बस इतने में ही उनका डायग्नोसिस हो जाता है कि मरीज को ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया है या नहीं। लेकिन हर मरीज को हम डिटेल में एग्जामिन करते हैं, क्योंकि हमें सेकेंडरी ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया की फिक्र होती है, क्योंकि कई मरीजों में ट्यूमर भी हो सकता है, डीमाइलिनेशन भी हो सकता है, एवी मालफॉर्मेशन भी हो सकता है। इसलिए हम हर मरीज को डिटेल में जांच करते हैं, उनके फेस के सेंसेशन देखते हैं, उनके सुनने की कैपेसिटी देखते हैं, हाथ पांव की ताकत देखते हैं, चलना देखते हैं, और उनको अटैक्सिया है या नहीं। तो ये सब हम डिटेल में एग्जामिन के बाद हम मरीज को कहते हैं कि आपको ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया लगता है, और उसके बाद हम एक MRI की रिपोर्ट कराते हैं। MRI में हमें पता चल जाता है कि मरीज की जो ट्राइजेमिनल की नस है वो किसी आर्टरी या वेन से दबती है, या किसी ट्यूमर या सिस्ट से दबती है, या ब्रेन में सूजन है जिसको हम डीमाइलिनेशन कहते हैं। तो उसके बाद हम मरीज से डिस्कस करते हैं। ज़्यादातर लोगों में प्राइमरी ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया होता है, इसलिए फिक्र की कोई बात नहीं। इस बीमारी का इलाज क्या है? ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया के ट्रीटमेंट हम शुरू में दवाइयों से ही करते हैं, और इस बीमारी में कोई आम दर्द की दवाई काम नहीं करती है, जैसे पैरासीटामोल, नेप्रोक्सिन या ब्रूफेन। इसके लिए कुछ अलग दवाइयाँ लगती है जिसको हम एंटी कन्वल्सेंट्स कहते हैं। उनमें से सबसे ज़्यादा जो यूज़ की जाने वाली दवाई है वो है कार्बामेज़ेपिन। कुछ मरीज को कार्बामेज़ेपिन से रिजल्ट नहीं आता है तो हम ऑक्सकार्बामेज़ेपिन यूज़ करते हैं, गाबापेंटिन यूज़ करते हैं, प्रीगाबालिन यूज़ करते हैं, और कभी कभी बैक्लोफेन या लेमोट्रिजिन नाम की दवाई भी यूज़ करते हैं। दरअसल ये दवाइयाँ हम छोटे डोज से शुरू करके फिर धीरे धीरे मरीज को हम ज़्यादा देते हैं, जब तक उनका रिजल्ट अच्छा ना आए। कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनको दवाइयों से रिजल्ट कम आता है या नहीं आता है, या दवाइयों की साइड इफ़ेक्ट होती है, लेकिन ये 10-20% मरीज होते हैं। 80-90% मरीज ऐसे होते हैं जो दवाइयों से बहुत संतुष्ट रहते हैं, लेकिन ये दवाइयाँ आपको लॉन्ग टर्म लेनी पड़ती है, और ज़्यादातर लोगों को तो पूरी ज़िंदगी। कभी कभी आगे चल के कुछ महीनों के बाद अगर मरीज़ बहुत अच्छा महसूस करता है तो हम थोड़ा सा डोज रिड्यूस जरूर कर देते हैं, बट ज़्यादातर मरीज़ को ये दवाइयाँ कंटिन्यूस लेनी पड़ती है। जिन मरीज़ को दवाइयों से रिजल्ट नहीं आता है तो उसमें हम 3 सजेशंस देते हैं। एक होता है सर्जरी, दूसरा होता है गामा नाइफ, और तीसरा होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी थर्मोकोगुलेशन। तो मैं आपको इन 3 प्रोसीजर्स के बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सर्जरी। ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया में जो सर्जरी करते हैं उसका नाम है माइक्रोवास्कुलर डीकम्प्रेशन या MVD प्रोसीजर। इस प्रोसीजर में दरअसल सर्जन कान के पीछे एक छोटा सा इंसिशन देता है, और वो जो नस होती है ट्राइजेमिनल नर्व जो आर्टरी या वेन से दबती है उसको अलग करता है, और बीच में एक टेफ्लॉन नाम का एक पैच डाल देता है। इससे मरीज को बहुत फ़ायदा हो जाता है। 2 या 3 दिन मरीज को हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, और कुछ ही दिनों में मरीज अपने कामकाज में व्यस्त हो जाता है। इस सर्जरी का 90% लोगों को बहुत फायदा हो जाता है, यूं समझो क्योर ही हो जाता है। लेकिन 10% लोग ऐसे होते हैं जिनको 10-15-20 साल के बाद यह बीमारी दोबारा भी आ सकती है। इसलिए कोई डॉक्टर ये प्रॉमिस नहीं करता ये आपको क्योर हो गया है, या क्योंकि जो उसका मेथड है, जो हमने जो प्रेशर करता है नस को, उसको हमने अलग तो कर दिया, बट लॉन्ग टर्म का किसी को पता नहीं होता है। फिर भी घबराओ नहीं, 90% लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हमें सर्जरी नहीं कराना है, कुछ और ऑप्शन बताइए। तो उसमें जो ऑप्शन नंबर 2 है वो है गामा नाइफ। ये भी एक प्रोसीजर है, इसमें आपको कहीं काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई चीरा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक सिंपल सा रेडिएशन दिया जाता है ट्राइजेमिनल नर्व को। यही इलाज कराया था सलमान खान ने, गामा नाइफ प्रोसीजर कराया था। लेकिन इसमें क्या होता है, गामा नाइफ में जो रेडिएशन होता है वो ट्राइजेमिनल नर्व के ऊपर दिया जाता है, और ये धीरे धीरे काम करता है। मरीज को इस प्रोसीजर के लिए एडमिट नहीं होना पड़ता है। ये प्रोसीजर की जो इफ़ेक्ट है, यानी मरीज को जो फ़ायदा होता है वो 1-3 महीने के बाद होता है, और अच्छा जो रिज़ल्ट आता है वो 6 महीने या 1 साल के बाद आता है। लेकिन ये रिज़ल्ट भी करीब
80% लोगों को आता है, सबको नहीं आता है, और ये कुछ महीनों के बाद आता है, इसलिए कुछ लोग इसको भी पसंद नहीं करते हैं। अमेरिका आ गए, we were supposed to do an invasive surgery, but they said that invasive surgery is not required. तो गामा नाइफ करके एक लेजर सर्जरी होती है, तो वो कराई। इसलिए जो तीसरा प्रोसीजर जो लोग ज़्यादातर कराते हैं वो है रेडियो फ्रिक्वेंसी थर्मोकोगुलेशन। उसमें क्या होता है कि मरीज को यहाँ से एक छोटा सा इलेक्ट्रोड डाला जाता है न्यूरोसर्जन द्वारा, और एक हीट वेव दिया जाता है ट्राइजिनल नस के ऊपर, और इसके क्या होता है कि मरीज को तुरंत फ़ायदा होता है। जैसे ही प्रोसीजर ख़त्म हो जाता है उसी दिन शाम से ही मरीज ठीक हो जाता है, और ये 90% से ज़्यादा लोगों में इफ़ेक्टिव है। इसलिए आज के तारीख में जिनको दवाइयों से फ़ायदा नहीं होता है उनमें हम ये RFTC नाम का प्रोसीजर सजेस्ट करते हैं। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि इस प्रोसीजर से जो फ़ायदा होता है वो 2-3 साल तक होता है, लंबे समय तक नहीं होता है। हाँ, ये और बात है कि 3 साल के बाद ये प्रोसीजर हम दोबारा भी कर सकते हैं, और ये न्यूरोसर्जन करता है, और इसके लिए भर्ती भी नहीं होना पड़ता है। दोस्तों, ट्राइजिनल न्यूरालजी की बीमारियों से घबराओ नहीं, आप उसका सही डॉक्टर को दिखा के अपना डायग्नोसिस कराओ और अपना इलाज कराओ। 80-90% लोगों को दवाइयों से बहुत फ़ायदा होता है, आपको किसी सर्जिकल प्रोसीजर, गामा नाइफ या किसी RFTC में जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आप सिर्फ रेगुलर दवाई लेते रहो और अपने डॉक्टर से संपर्क बना के रहो ताकि आपकी ज़िंदगी खुशहाल रहे। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा ये वीडियो ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना, और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर और लाइक करना, और ऐसे और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए मेरा ये चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।